इस शहर में एक रुपए का सिक्का कड़ियां फेंक लेते, नीचे दिखता था ठन ठन ठन। कहना नहीं चाहता था पर कहूंगा जरूर, 20 फर्म फेल हो गई। मंडी वाले रोज बेचारे पंचायत करते घूमते, पहली बार इस शहर में सट्टे का व्यापार चलता है सर। और किसी की, मेरे विरोधी की, कभी सुरेश गर्ग की किताब उठवाई हो, कभी उसकी फैक्ट्री पे रेड कराई हो, कभी कैलाश भगत जी के कराई हो, कभी लीला राम के घर पे कराई हो, जैन साहब 100-200 करोड़ तो मैं चलते चलते एक दिन में दे जाता। एक वो मेरी चलती नहीं, दूसरा दिन दनी। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं, मैं आज आपसे यही कह रहा हूं, बचाओ मेरी नौकरी उल्टी दो पुराने वाले मिस्त्री की, मैं तो ये कहने आया हूँ मंडी को। बहुत बहुत शुक्रिया। 2014 में जब ये शहर मैंने दिया, बाबू जी 3700 करोड़ रुपए दिए थे शहर के साथ, जमा पड़े थे 37 करोड़, 1.25 करोड़ तक किराया आता है इस शहर का, इतनी तो तनख्वाह नहीं है, 40 लाख रुपए तनख्वाह, 42 लाख रुपए, 1.25 करोड़ की रेंटल इनकम बना के दी थी। कोई अपनी प्रॉपर्टी खराब करके नहीं जाता। और इस शहर में एक रुपए का सिक्का कड़ियां फेंक लेते, नीचे दिखता था ठन ठन ठन, ऐसा शहर बना के दिया था। और शहर में चाहे बहू बेटी रात को 12 बजे निकल जाए, कोई साले की हिम्मत नहीं थी कि आंख दिखा दे किसी को, ऐसा शहर दिया था। मैं आज आपसे पूछता हूं, ऐसा शहर है ये? सर 10 साल हुए हैं सिर्फ मुझे गए हुए, 10 साल में इन्होंने शहर को मुद्दा मार दिया। पिछले 10 साल में, मैं कहना नहीं चाहता था पर कहूंगा जरूर, 20 फर्म फेल हो गई। मंडी वाले रोज बेचारे पंचायत करते घूमते, मैं तो देखता हूं, 25 पैसे में फैसला कर लो बाबू जी, 15 पैसे में बाबू जी फैसला कर लो, 18 में कर लो, 22 में कर लो, 32 में कर लो, बस जितने एक रुपये थे सब डूब गए। पैसा किसका डूबा सर? पैसा तो तारा डूबने लग रहा, और आपके रुपये भी मारे हैं, इसी शहर में रहे हैं, ये भी चाड़ा, ये बाजी गए, चलो पा नहीं रहे वो अलग बात है, मैं बोले यही रहूंगा, काट ले मेरा क्या भाड़े, रहते भी यही, गल्ले हमारे रुपये मारे हैं, गल्ले यहां रहे। मेरी बात गलत तो नहीं? आप में से हर एक आदमी के साथ ये बात बनी हुई है। इतनी फर्म में फेल हुई, 10 साल में रणदीप के क्यों नहीं फेल हुई सर? मैं एक एक व्यापारी की मदद करता था। पहली बार इस शहर में सट्टे का व्यापार चलता है सर। आप अपने जो अग्रवाल समाज के बच्चे, पंजाबी समाज के बच्चे, वो ही फंसे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा। ये कोई कहना नहीं बोल के स्टेज से, एक दिन मुझे उर्मिल कह रही, सबसे ज्यादा सट्टा मैं हमारे बच्चे फंसा रखे। माफ करना, ये सट्टा 10 साल मेरे समय में क्यों नहीं चलता था? ये हफ्ता लेते हैं सट्टे वालों से, इसलिए चल रहा है बाबू जी। आप तो बिजनेस वाले आदमी हो, सट्टा नहीं चल सकता, सट्टा राजा के साथ चलता। अपने यहां नशे आए हुए हैं शहर में पहली बार बाबू जी, अपने यहां ड्रग्स मिलते हैं। आप उड्डा में चले जाओ अभी, खोखो के ऊपर आपको दारू के साथ ड्रग्स बिकेंगे। आप अभी उधम सिंह पार्क में चले जाओ, सीरिंज मिलेंगे आपको। आप कल सवेरे जाकर देख लियो, चलो वहां कितने सीरिंज पड़े मिलेंगे। और किसी की, मेरे विरोधी की, कभी सुरेश गर्ग की किताब उठवाई हो, कभी उसकी फैक्ट्री पे रेड कराई हो, कभी कैलाश भगत जी के कराई हो, कभी लीला राम के घर पे कराई हो, ना दुकान के कागज उठवाए, ना आपकी दुकान के ऊपर इंस्पेक्टर आने दिया। कभी आया हो तो बताओ, कभी आपकी किताब उठाने की हिम्मत नहीं थी, कभी सेक्रेटरी की ये हिम्मत नहीं होती थी आपके साथ धक्का कर ले। उसे पता था, पता चल गया 24 घंटे में बदल दिया जाएगा, कोई ऊं उससे लुक छुप कोई कर ले मुझे पता नहीं। परंतु आए आड़ती ने भी कह दिया, ये बंदा सही नहीं है, मेरे से रुपये मांगता, अगले दिन चलता कर देता उसको। तो मैं खुद कुछ नहीं लिया जीवन में, ना अगले को लेने देता था, इसलिए शहर चलता था। अब तो अगर तहसीलदार को फोन किया इनके बंदे ने, न्यू बोला जी इसका रजिस्ट्री कर दे इसकी, कर तो दूंगा, तेरे वालों में से काटू अब दूसरे वालों में मंथली में से काटू। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक अपील है, चुनाव लड़ेंगे दो आदमी, गुड़ेंगे एक तो जीतेगा ही, पर सर बंदे बंदे में अंतर होता है। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं, मैं आज आपसे यही कहने आया हूं, मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं।
पुराने मिस्त्री को ये पता होता है घर के अंदर ये पक्के लगा रखे हैं अपन ने, जिस मिस्त्री ने इनकी तारे लगाई हैं उसी को पता अगर इसमें फ्यूज उड़ गया तो कहां से जोड़ना है। अपने जो बाथरूम में इनका सीवर कहां से जुड़ा हुआ हम वो ही बता सके जिसने सीवर लगाया हो। तो कई बार पुराने मिस्त्री को माँ या घर में जो भी बड़ी भाभी होती बहू होती वो कह आती कि जाओ खराब है अपने बिजली खराब है उसको बुला लिया, उसके कपड़े हो सकता मेरे जैसे थोड़ी मैले हों थोड़ी ग्रीस भी लगी हो दुकान में लाइट भी एक जल रही हो परंतु उसको काम आता है, उसको पता है सीवर। जब छोरे का ब्याह हुआ था कमरा बनाया था बाथरूम की पाइपलाइन फलानी जगह को डाली थी मैंने, घर जब बड़ा हुआ था जब एक कमरा इन्होंने ऊपर डाला था उसकी तार मीटर में से यहां से निकाल। सर मैं सड़क का मिस्त्री हूं, चौपाल का मिस्त्री हूं, स्कूल का मिस्त्री हूं, मंडी बनाने का मिस्त्री हूं, मैं कानून व्यवस्था चलाने का मिस्त्री हूं, मैं कॉलेज का यूनिवर्सिटी का पॉलिटेक्निक का तीर्थ स्थलों का शहर को सुंदर बनाने का मिस्त्री हूं, मेरी नौकरी आपने कर दी बर्खास्त पिछली बार, हो जाता है कई बार नवा मिस्त्री अच्छा लगता है उसको बुला लिया, इब तो मिस्त्री मुख्यमंत्री भी बन गया इब भी कुछ नहीं कर रहा, जो मिस्त्री एक था दो में से वो तो मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का। मैं अगर 80 दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता संजय तुम बताओ ये यहाँ ऐसा होता क्या शहर, हर कोने में चिंटी लगी होती जैन साहब 100-200 करोड़ तो मैं चलते चलते एक दिन में दे जाता, कोई ऐसी चौपाल नहीं होती जिसपे काम नहीं। ये उस मिस्त्री ने जो मुख्यमंत्री बन गया उसने हमारी जो सैनी समाज की चौपाल है उसी का रंग रोगन नहीं कराया आज तक। एक वो मेरी चलती नहीं, दूसरा दिनदा नहीं, तीसरा अंधा नहीं। तो सर इस शहर को बचाओ, मेरी नौकरी उल्टी दो पुराने वाले मिस्त्री की, मैं तो ये कहने आया हूँ मंडी को। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, राम राम जय।